मैंने पहले टीवी पे न्यूज़ देखी थी तो मुझे लगा फेक होगा ऐसे, तो मैंने डाउनलोड करके देखा, फिर मैं गेम खेलती रही, फिर है ना मेरा माइंड ऐसा हो गया कि मेरा हाथ काट लिया। मैंने पूरी रात बैठ कर खेला था, लास्ट में ना काफ़ी सारे चैट करने के बाद उसने मुझे 4 ऑप्शन दिए थे मरने के लिए। एक तो ब्लेड पे शार्क बनानी है, छत से कूदना, या फिर समुंदर में कूदना, या फिर भाग जाना। मैंने अखबार और न्यूज़ में देखा था पहले ही गेम, तो मैंने डाउनलोड करने का सोचा। मैंने परसों रात को डाउनलोड किया था, उसको स्टार्ट होने में 2 घंटे लगे थे। मैंने पूरी रात खेला, वो मुझसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन करती रही, मैं उसका जवाब देती रही। मेरे को लगा फेक, उसने मुझे 4 ऑप्शन दिए थे लास्ट में मरने के। तो फिर है ना उसने अपना पे, अब थोड़ी देर बाद मैंने वापस मैसेज करने की कोशिश की तो अपना पे व्हाट्सअप से नंबर वगैरह सब गायब हो गया उसका। तो मुझे उसने वार्निंग दी थी कि 3 दिन में ना आपके साथ ऐसी दुर्घटना घटेगी कि आप डर जाओगे। तो मेरा फ़ोन घूम गया, तो मैं डर के सोचा कि मम्मी भी अब मर जाएगी, इसलिए मैं घर नहीं गई वापस। मैं यही कहना चाहूँगी कि दूसरे बच्चे गेम डाउनलोड ना करें, कि गेम वगैरह सब फेक होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, यहाँ के स्टाफ ने मुझे बहुत अच्छे से ध्यान रखा, के हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने, और इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की इससे बाहर आने में। हम मानती हूँ कि मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, आगे मैं एक कदम नहीं उठाऊँगी। शी वॉज वेरी डिप्रेस्ड, वो डिप्रेशन में थी, उसमें अलग तरह की चिंता थी। तो व्हाट आई वांट टू टेल, कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि ब्लू व्हेल गेम को इतना सीरियस ना लें। जो मेन सीरियस इश्यू है वो पेरेंट्स और बच्चे के बीच की बॉन्डिंग है। हमने बच्चे से 2 दिन में जितनी बात की, उनके घर वालों से हम जितनी बात कर पाए, या और भी जो भी इंसिडेंट हम देखते आ रहे हैं अब तक, जितने भी केस हमने देखे हैं ब्लू व्हेल की वजह से, जैसे कोलकाता के अंदर एक इंसिडेंट हुआ, एक बच्चा था उसने भी इस तरह सुसाइड किया, तो उन सब केसेस में एक थिंग जो कॉमन है कि देर इज सम डिफिकल्टी इन बॉन्डिंग। पेरेंट्स और बच्चों के बीच में बॉन्डिंग का इशू आ रहा है। टीम मेरी सब ये अपील है सारे पेरेंट्स से, अगर उन्हें कभी भी ऐसा लगता है उनका बच्चा थोड़ा सा उनसे मेंटली दूर हो रहा है, बच्चा थोड़ा सा अकेलापन घर में महसूस कर रहा है, घर में अकेला बैठा रहता है, या पढ़ाई में मन नहीं लगता, घर के काम में खेलने कूदने मन नहीं लगता, तो आप उनसे बात करें, उनसे ये पूछने की कोशिश करें बेटा क्या दिक्कत चल रही है। और अगर कभी आपको लगता भी ऐसा है, चाहे ब्लू व्हेल गेम हो या कोई भी इशू हो कि बच्चा जा रहा है, बजाय कि उस चीज़ को अचानक रोकने के, नहीं, अगर आप अचानक बच्चे से एक चीज़ रोकेंगे, नहीं बेटा ये यहीं की ख़त्म कर दो, तो उससे उसकी और क्यूरियोसिटी होगी, नहीं घर वाले रोक रहे हैं तो कोई बात होगी और आगे बढ़ने की। उसमें बच्चे कॉन्फिडेंस में लें और धीरे धीरे उस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि वो बच्चा हमसे दूर जा रहा है, और कॉन्फिडेंस में लेके वापस गेम बंद कराएं। अभी बच्ची की कंडीशन अच्छी है, और आपने देखा ये कैसे नादान बच्ची ने एंड्रॉयड फ़ोन से ये डाउनलोड किया गेम को, और इसमें किस तरह से गेम आगे बढ़ करके एक तरह की जान तक लेने की कोशिश की। और इस तरह यही अपनी तरफ से एज ए डॉक्टर संदेश देना चाहता हूँ कि बच्चों पे थोड़ा ध्यान रखें।